एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दीप रिएक्शंस। तो गाइस, जैसा कि बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया है कि मतलब नए नए जो रैपर्स हैं उनके लिए कमेंट किया है कि हाँ मैं इनके जो सॉन्ग्स हैं वो देखूं, इनके सॉन्ग देखूं। तो गाइस, सब तो ऑब्वियसली एक बारी में नहीं होंगे, लेकिन हाँ मैं धीरे धीरे सब पे रिएक्शन दूंगी, सब सॉन्ग्स को देखूंगी। लेकिन अभी जो आज जिस सॉन्ग को मैं देखने वाली हूँ वो है असली हिप हॉप, जो कि है चैन के का। मेरे को कुछ नहीं पता कि ये चैन के कौन हैं, कहाँ से हैं, कुछ भी अभी फ़िलहाल मुझे कोई आइडिया नहीं है। लेकिन देखेंगे कि क्या है ये जो सॉन्ग है। इसके अंदर ब्रैकेट में लिखा हुआ है डिस 18+, तो इतना तो समझ में आ गया कि साफ साफ लिखा हुआ है डिस, तो ये डिस सॉन्ग है। किसके ऊपर डिस है, जिसके ऊपर डिस है, उन्होंने क्या कौन से सॉन्ग पे जो है जो इसको पोक किया था चैन के को, डेफिनेटली किया होगा, तभी उसने भी आगे से डिस बनाया है, डिस सॉन्ग जो है वो बनाया है। तो गाइस अब देखते हैं और पता लगाते हैं कि क्या है इस सॉन्ग के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैन यार, ये तू क्या कर रहा है यार, तू मशहूर हो सकता है, मशहूर यार। तू हनी सिंह को देख, बादशाह को देख, कितने लोग इनकी इज्जत करते, कोई नहीं परवाह करता यार। डिमांड है ऑडियंस की, दंगी लड़कियां। यार तू सब छोड़, तू देख अब तो बोहेमिया भी रफ्तार के साथ फिर रहा है ना, तो तू क्या पागल है क्या तू यार। अपना डिवाइन भी तो रैपर है ना यार, लोग उसको बोलते हैं ना रैपर। उसने क्या कभी क्लब और लड़कियों पे गाने नहीं बनाए क्या यार? करना पड़ता है यार, करना पड़ता है। कोई भोंके हनी सिंह हिप हॉप पे, कोई भोंके बादशाह हिप हॉप पे, कोई चौड़े सब फ्लॉप पे, वो पॉप अदाकार रफ्तार हिप हॉप है। रॉन्ग, इक्का हमारा रैपर है, कौन तिक्का परदान हमारा कंजर है। चल जो भी है, ये वो रैपर्स नहीं, ये मेरे कानों के रैपर्स हैं। अरे मजाक से हट के अल्फाज इनके सुन के, कान मेरे सुनिए, बकवास इनके गाने, ड्रामेबाज फहाशत ने क्यों ये छोटे लिबास पहना कर औरत जात को अकड़ में रैपर्स। शराब शराब के नारे लगाकर लड़के शायर ये, सबको ये पता के बोहेमिया ने पाक हिंद में असली रैप का आगाज वो किया। जो जानता नहीं कर ले विकिपीडिया, पाकिस्तानी की रोजी के लिए खोलनिया, दिल खोल दिया, देसी परदेश में रहने का दुख तजुर्बा वो बोल गया, फिर हो गया सीन हनी सिंह का, चारों ओर चार बोतल वोट का, चार बोतल वोट का, पप को पिना दिया हिप हॉप का टोपा। एक दो के अलावा ये सो कॉल्ड रैपर्स ने लोगों को धोखा, झूठा हूँ मैं तो कोई सच बता दो, या मुंह पे रख के मेरे मारो जूता। प्रधान हो गया गोलू या इक्का, ये औरतों को नंगा करे खुल्लम खुल्ला। ओके, तो जो मेरे को समझ में आया अभी तक वो ये है कि डिस किया है रफ्तार को, हनी सिंह को, इक्का को, जो तीन नाम है अभी जो ये लिए हैं वो तो यही हैं। बट ये है कि जो इसका इसके पीछे थॉट्स है ना, वो मुझे समझ में आ रही है, जो कि अच्छी थॉट्स हैं कि हाँ वो ये कह रहे हैं कि जो इन लोग ये जो रैप करते हैं असली हिप हॉप, क्योंकि सॉन्ग का नाम है असली हिप हॉप, तो उसका मतलब ये है कि वो ये कह रहे हैं कि अगर हिप हॉप करना है तो रैप करके करो या बातों से करो, जो भी करो, लेकिन आप ये शराब वराब आते हैं, पीछे लड़कियां आती है डांस करती हुई और ये सब, ये असली हिप हॉप नहीं है, उसके कहने का मतलब ये है। तो थॉट अच्छी है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है अभी तक, बाकी अभी आगे देखती हूँ। जैसे मैंने पहले भी बताया कि मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता है कि पीछे उन्होंने क्या ऐसा कुछ चैन के बारे में कहा था जिसका ये इन्होंने रिप्लाई दिया है, तो वो मैं पता करूंगी और आप लोग भी कमेंट सेक्शन पे मुझे बताना। बट मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक जितना बोला है बहुत ज़्यादा बोल दिया, बहुत ज़्यादा। लेकिन हाँ, साथ में उसने ये भी बोला है कि एक दो को, ऐसा नहीं है कि सब, मैं सबको नहीं कह रहा, एक दो को छोड़ के बाकी ये ऐसे हैं। बाकी देखते हैं कि अभी आगे और क्या है। मैं वो मुल्ला नहीं चला जो अल्लाह चिल्ला के कुरान पाक, रख दो सीधे हाथ पे गीता या पढ़ लो इंजील तौरात, ये हर मजहब में कुछ चीजें मनाइए, जो चीजें मनाइए वो रैपर्स फैला के सुना दे, फिर जमाने जमीर के फसाने। हाँ मीडिया में वाह बे अजीब सा ये ट्रेंड है, हार्टलेस की मुन्नी फिर मूव इट वरीना, ये
मैं वो कमीना नहीं ना बेहस जो किसी के घर वालों को डिस करे, पर बादशाह से सवाल मेरा क्या तू अपनी बेटी को शूटिंग्स में मिस करे। तुम आर्टिस्टों के एक से एक किससे सेक्स पे बहस रुक जाएगी सिर्फ इस शर्त में, जिस दिन अपनी बेटियां बेचोगे डिस्प्ले में, जब पहुंचेंगी वो भी 24 उम्र में। घर नहीं चलता भाई, घर नहीं चलता, बेचो इज्जत औरतों की, घर नहीं चलता डर में अब कमर्शियल होना पड़ेगा इन दलों का, वरना भाई घर नहीं चलता। और ये नहीं मैं कह रहा कि पैसा जरूरी नहीं, मेरी बातों को पलटना बिल्कुल भी नहीं, वरना हो जाएगी बदतमीजी और ऐसी जो तुम लोगों ने देखी होगी नहीं। गोली मारू लेबलों की शर्तों को, मेरे हाथों में फोन और ये 4G, तो जिसको भी शक हो मशहूरी का भूखा मैं सुन ले टी सीरीज में हराम खोरी है, जिसको भी शक हो मशहूरी का भूखा मैं सुन ले वो बॉलीवुड करप्ट पूरी है भूखी है तभी असली हिप हॉप। एक मिनट यार, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ऑनेस्टली ये बहुत ज्यादा हो गया, टी सीरीज पे भी पहुंच गए चैन के, आई डोंट नो इतना ज़्यादा तो क्यों, मतलब बहुत ही ज़्यादा है यार। मतलब मैं तो रिपीट भी नहीं कर रही हूँ वो वर्ड्स जो इसमें सॉन्ग में बोले गए हैं, मतलब रैप में। हाँ मुझे ये अच्छा लगा है कि ये जो इसका स्टाइल है वो अच्छा लगा है मुझे, कि एकदम से सिंपल तरीके से, मतलब जो रूम है एक छोटा सा रूम है उसी में वो जो है अपना रैप वैप कर रहा है, अपना एग्जैक्ट बोल रहा है, तो वो मुझे अच्छा लगा है इसके अंदर। और ये भी अच्छा लगा है कि वो जो बोल रहा है, वो जो वो सोचता है, वो साथ सामने रख रहा है, क्योंकि ये भी बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी जो थॉट्स हैं वो एग्जैक्ट बोल सके, दम चाहिए ऐसा बोलने के लिए जो वो बोल रहा है, जो कि मुझे पर्सनली मेरा ओपिनियन है, क्योंकि हम यहाँ पर अपना ओपिनियन देने आए हैं। तो जो मेरा ओपिनियन है, मुझे ऐसा लग रहा है अभी तक ये एक बहुत ज़्यादा हो गया, अभी बहुत ही ज़्यादा हो गया है, बाकी पता नहीं है मुझे, अभी भी जो है सॉन्ग बाकी है, देखते हैं और सॉन्ग के अंदर आगे क्या बोला हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं आगे का। जैसी मूवी में चुम्मी दिखाना जरूरी है, बोलोगे चैन को कितना वहम गलत फहमिया, चलो मान लिया कमेंट तेरा कि चैन को हिप हॉप नहीं जानता वो, पर फिर भी मुझे लगे बेकार रफ्तार कलाकार मक्कार दज्जाल लगातार जिम्मेदार बलात्कार का सुधार दूंगा सबको कर करके वार। मैं समझदार हजार नहीं तो समझ जाएंगे दो चार, मिट्टी की खाल मैं फरिश्ता नहीं भाई इनकी तरह मैं गुनेगार, बाढ़ में जाओ सारे शराब पियो अचार पीछे घुसा के कब्ज में उछलो, बस प्यार से समझ लो मैं हार नहीं मानता, मेरे गानों से दूर अपना सर्कस ये रखो। शख्स मैं बदतमीज सा इंडस्ट्री में वाहिद असली में डीट का गस पे बस, ये मेरी नस का खून गर्ज में दिल चीर दिया, मुझे क्या पता था पाकिस्तानियों के साथ हिंदुस्तानी भी प्यार देंगे, इस अल्लाह वाले को जिनके घर में भगवान वो भी प्यार देंगे। बुखार सबको हिप हॉप का, पर असली हिप हॉप की लिस्ट तो मेरे पास है, डार दुरानी फारिस अंजुमनेजी लाहौरी लेजरस कालो मैं खास है, अल्फाज में दिल में हम सबके। तो जो भी इनके यहाँ पे वो उन्होंने अपने बोला है कि असली जो रैपर्स है वो तो सारे मेरे पास है, और उसे काउंट करा दिया सब, अंजुम और यूनुस और ये सब जो भी जबरदस्त है सारे, वो ये सारे काउंट कराए हैं, सबको तो मैं नहीं जानती, लेकिन जिन जिन को मैं जानती हूँ जिनके मैंने सॉन्ग सुने हैं उनको मैंने उनको मतलब आइडेंटिफाई कर लिया है, और पता चला है कि हाँ ये वो बोल रहा है कि असली जो टैलेंट है वो मेरे पास है। ओके, देखते हैं आगे। जिंदा खुदा है रही बात इक्का वगैरह की, मेरे लिए ये तो ढिंचक पूजा है। तो गाइस सॉन्ग हमने पूरा सुन लिया है, बहुत ही जिसे कहते हैं सिंपल तरीके से जो रैप किया है इसके अंदर चैन के ने, मुझे स्टाइल बहुत अच्छा लगा है, और जो पेस था वो मतलब स्लो था, अच्छा था कि अच्छे तरीके से उन्होंने अपनी पूरी की पूरी बात को सामने रख दिया है। बट मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि शायद मैंने चैन के का क्योंकि फर्स्ट सॉन्ग सुना है, और फर्स्ट ही मुझे ऐसा लगता है कि मैंने शायद से गलत सॉन्ग उठा लिया है, क्योंकि इस सॉन्ग को सुन करके मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या
चैन के अपने सारे सॉन्ग्स के अंदर ऐसे ही बोलते हैं या यही उनका स्टाइल है बोलने का, जैसे कि मैंने पहले भी बोला, क्योंकि मुझे लेकिन थॉट प्रोसेस अच्छा लगा है, दम चाहिए होता है ये सब बोलने के लिए, जो कि उन्होंने बहुत स्मूथली बोल दिया है। अब जितना भी मन में था, जो कुछ भी वो सोच रहा है, सब कुछ बोल दिया है, और इसके लिए भी गर्ल्स चाहिए, तो ये एक चीज़ मुझे अच्छी लगी है। बट जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि हाँ, मुझे ऐसा लगा पर्सनली कि बहुत ज़्यादा हो गया। क्यों मुझे ऐसा लगा कि ज़्यादा हो गया? क्योंकि सबका अपना अपना ओपिनियन होता है, सबका अपना अपना स्टाइल होता है हर एक चीज़ को करने का। अब जैसे कि सॉन्ग्स हैं, अब वो जैसे भी सॉन्ग को रैप कर रहे हैं, जैसे भी रैप कर रहे हैं, सबका अपना स्टाइल है। अब जैसे चैन के ने किया, कैसे किया है, कुछ ज़्यादा धूम धड़ाका नहीं है, एक अच्छा सा मतलब एक छोटा सा ही मुझे रूम दिख रहा है, कॉर्नर दिख रहा है, उसमें अपनी पूरी बात बोल दी है, और जो म्यूज़िक है वो भी ऐसा इतना लाउड नहीं है, और अपना सिंपली सारी बात करते जा रहा, जो कि मुझे स्टाइल अच्छा लगा। उसी तरीके से जो हनी सिंह है, रफ्तार है, बादशाह है, इक्का है, वो सब का स्टाइल अलग है। कोई ये चाहता है कि हाँ एंटरटेनमेंट हो साथ साथ, वो साथ में अगर गर्ल्स डांस कर रही हैं ये वो, और जो कुछ भी कहा, तो सबका अपना अपना स्टाइल है, हम किसी के लिए कुछ बोल नहीं सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। बाकी जैसे कि मेरी ओपिनियन है, वैसे चैन के की भी ओपिनियन है, जो उसने अपने रैप के थ्रू बताई है कि असली हिप हॉप क्या होता है वो करो, उसके कहने का मतलब ये है। वो ये कह रहे हैं कि असली टैलेंट तो मेरे पास है, साथ ही साथ उसने ये भी बोल दिया कि एक दो को छोड़ के, और ये कह रहे हैं कि हाँ मेरी बात को गलत मत समझना, ये मत बोलना कि वो ये जैसे बोल रहा था कि हाँ पैसा कमाना, तो ये कह रहा है ऐसा नहीं है कि मेरे को पैसा नहीं कमाना, मुझे भी कमाना है, लेकिन वो ये कह रहा है कि इस तरीके से नहीं, वो कह रहा है कि मेरे तरीके से, मतलब मैं जो कर रहा हूँ अपना असली हिप हॉप करके, आप अपना जो लिरिक्स वाइज वैसे करो ना, आप ये सब क्या कर रहे हो। तो खैर ये था ओवरऑल जो मेरा ओपिनियन है इस सॉन्ग के ऊपर। बाकी आप सब लोग बताना कि चैन के और कौन कौन से सॉन्ग्स हैं, या और क्या क्या उन्होंने रैप में किया जो मतलब और डिफरेंट है, इससे डिफरेंट है। बाकी मैं भी डेफिनेटली देखूंगी कि क्या और सॉन्ग्स किस टाइप के हैं उनके, मैं भी देखना चाहूंगी, और मैं डेफिनेटली उन पे भी आगे चल के रिएक्शन देना चाहूंगी। और गाइज, अगर अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, और मेरे को नए नए रैपर्स, नए नए टैलेंट के बारे में बताओ जो मुझे अब तक नहीं पता, क्योंकि मुझे कैसे पता चलेगा, सिर्फ आप लोगों से, ऑडियंस ही बताएगी कि कौन कौन से न्यू रैपर्स हैं जिनको, जिनके सॉन्ग्स पे वो रिएक्शन देखना चाहते हैं, तो उसी तरीके से तब जाकर के हमें पता चलेगा कि हाँ क्या क्या है। जैसे कि अब अपने चैन के का बताया, मैंने बताया कि मुझे स्टाइल पसंद आया, तो मैं आगे चाहूँगी कि मैं उनके और सॉन्ग्स को सुनूँ। ऐसे ही अगर आपको और भी किसी के सॉन्ग्स आप चाहते हैं उस पर मैं रिएक्शन दूँ, तो उनके लिए भी मुझे सजेशन ज़रूर देना, कमेंट बॉक्स पे बताना। ऑल्सो चैन के बारे में अगर और इन्फॉर्मेशन या और कुछ आपको पता है, आप बताना चाहते हो, तो डेफिनेटली मुझे बताना, ताकि मुझे और जानने को मिले, और मैं बाकी की वीडियोज़ को भी सुनूंगी इनके, तो मुझे और भी पता चल जाएगा सॉन्ग सुनने के बाद। और गाइज, अगर अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया जैसे मैंने कहा है, तो फटाफट से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए, और अगर इंस्टाग्राम पे अब तक फॉलो नहीं किया तो फटाफट जाइए इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, जो यूज़र आईडी है वो स्क्रीन पे शो हो रही होगी। तो गाइज, अब चलते हैं और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।